नमाजा बरदार घरी आवे नाही बरी नमाजा बरदार। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लॉग है जो ट्रिब्यूट है बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा को, जिनका स्वर्गवास 5 नवंबर को हो गया। शारदा सिन्हा बिहार की लोक गायिका थी और बहुत ही फेमस थी पूरे देश में, स्पेशली ड्यू टू छठ। तो उनके गाए हुए गीत के बिना छठ बहुत अधूरा लगता है। तो दोस्तों, ये ट्रिब्यूट है उनके लिए छोटा सा। तो दोस्तों, शारदा सिन्हा जी के जो गीत हैं छठ के गीत, वो सिर्फ बिहार और यूपी में फेमस नहीं थे, ये पूरे देश में जहाँ भी बिहार के लोग और यूपी के लोग फैले हुए हैं, जो लोग छठ करते हैं वहाँ पे ये गाना बजता था और बहुत ही फेमस थी वो। तो दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाता हूँ छठ के बारे में। ये साल का छठ आज है, आज शाम का अर्ध है, आपको मैं आगे बताता हूँ। दोस्तों, छठ को महापर्व भी बोलते हैं। ये दीपावली के ऑलमोस्ट छठवें दिन मनाया जाता है। ये नहाई खाई से स्टार्ट होता है और नहाई खाई के बाद खरना और देन शाम का अर्ध और सुबह का अर्ध के बाद जो व्रत होते हैं, जिनको जातक भी बोलते हैं, ये सुबह के अर्ध के बाद उनका जो प्रसाद होता है वो ग्रहण करके व्रत को समाप्त करते हैं। तो ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है दोस्तों। ये नहाई खाई जो होता है, ये नहाई खाई के दिन जो व्रती होते हैं, जो व्रत करते हैं, वो तालाब में या नदी में नहाते हैं और लौकी और चने का सब्जी ये जो होता है ये एज ए प्रसाद, और भात भी जिसको चावल बोलते हैं, ये इसके साथ ये चढ़ाया जाता है और ये नहाई खाई से चालू होता है दोस्तों। और अगले दिन खरना होता है और खरने के अगले दिन शाम का अर्ध होता है, जो छठी मैया को हम अर्ध चढ़ाते हैं, जो जल चढ़ाते हैं सूर्य को उसको अर्ध बोलते हैं। तो ये छठ क्यों मनाते हैं दोस्तों? ये क्या होता है कि हम जो लोग जो है मन्नत मांगते हैं, ऐसी प्रथा है जो मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है तो उसके जगह पे है, उसके बदले हम जिंदगी भर अर्ध चढ़ाते हैं। सूप चढ़ता है, जिसको आपको मैं दिखाता हूँ सूप क्या होता है। उसमें डिफरेंट टाइप के फल फूल होते हैं, दूध होता है, सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं और छठी मैया से मांगते हैं कि हमको हमेशा खुशी रखें, सुख और समृद्धि प्रदान करें। तो ये बहुत बड़ा पर्व है दोस्तों और ये सुबह के अर्ध के बाद ये पर्व समाप्त होता है। तो अभी मैं आया हूँ आलंदी में, जो घाट है पुणे में, यहाँ पे आया हूँ। आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी शाम का अर्ध के लिए लोग आए हुए हैं, लोग जमा हैं यहाँ पे। तो आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो व्रत होते हैं छठ के, जो व्रती होते हैं, जो व्रत करते हैं, ये हाथ में जो ये साइड में आप देख रहे हैं जिसमें फल फूल रखे हैं, इसको सूप बोलते हैं। और ये जितने भी मन्नत होते हैं उतने सूप चढ़ाते हैं, जिंदगी भर के लिए चढ़ाते हैं। अगर आप एज के हिसाब से आप अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो ऑलरेडी छठ पूजा कर रहे हैं हम, उनके थ्रू सूर्य भगवान को ये मतलब सूप का चढ़ावा करते हैं। ये जिंदगी भर चलता है एक्चुअली। तो ये बहुत ही बड़ा पर्व है दोस्तों।
आप देखिए कितने ही मतलब ये पूना है, यहाँ पे जितने भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग हैं या यूपी के लोग हैं, यहाँ जो लोकल लोग हैं ये भी ये पूजा करते हैं और बहुत ही महापर्व है ये दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो सूप लेके खड़ी हैं औरतें, ये एक्चुअली व्रत की हुई हैं। छठ छठ की जो व्रत करते हैं, जो छठ महापर्व है, इसका व्रत बहुत ही टफ होता है, ये आसान नहीं है। ऑलमोस्ट साढ़े तीन चार दिन का व्रत होता है, नहाय खाय से लेके उगते सूर्य का जो अर्ध हम चढ़ाते हैं छठी मैया को, तब तक ये व्रत चलता है। ठीक है, तो ये जो हाथ में लेके खड़ी है इसको सूप बोलते हैं, और हर एक मन्नत के बिहाफ पे ये हम ऐसी धारणा है कि हम जिस मन्नत हमारी पूरी होंगी तो हम छठी मैया को ये सूप चढ़ाएंगे। तो पर मन्नत एक मन्नत के हिसाब से सूप होता है, तो ये हर फैमिली के हिसाब से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ये प्रथा चली आ रही है। ये हर यूपी के लोग जहाँ भी हैं इंक्लूडिंग अक्रॉस वर्ल्ड ये छठ पूजा होता है दोस्त। तो अभी सूर्यास्त का टाइम है, तो ये अभी ऐसा है कि सूर्यास्त का टाइम है, तो जो व्रत के हुए जो लोग हैं ये अभी यहाँ पे सूरज ढलता है पश्चिम की तरफ, उस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और सूर्य को अर्ध दे रहे होते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो व्रती हैं वो बार बार झुक के सूर्य को अर्ध चढ़ा रही हैं, परिवार के लोग भी आएंगे थोड़ी देर में अर्ध चढ़ाने के लिए। ऐसे ही कल सुबह आऊँगा दोस्तों, आपको दिखाऊँगा, तब उस समय ये हम उगते सूर्य की पूजा करते हैं, उस समय पूरब की तरफ मुंह करके खड़े रहते हैं और उनको उनकी तरफ ध्यान लग के उनकी पूजा अर्चना करते हैं। का टाइम ऑलमोस्ट हो चला है, 5:59 का टाइम है, अभी 5:43 हो रहा है। तो तब तक जब तक सूर्यास्त डूबते सूर्य की जो अर्ध चढ़ाते हैं डूबते सूर्य को, उसका टाइम हो चला है दोस्तों। आपको मैं हर तरफ घूम घूम के आपको दिखाता हूँ। ये पूना का आरंदी घाट है और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं पूरे फैमिली के साथ एज यूजल। अब देखिए दोस्तों, देखिए वो नदी के उस पार था और ये नदी के इस साइड आ गया हूँ मैं। तो दोस्तों, ये डूबते सूर्य को अर्ध चढ़ाते ही ये आज का जो पर्व है ये संपन्न होता है। कल सुबह फिर आएंगे यहाँ पे घाट में और उगते सूर्य की पूजा कराएंगे, उगते सूर्य को अर्ध चढ़ाएंगे दोस्तों। तो कल सुबह फिर मिलते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज ये छठ का ये आखिरी और ये सनराइज जो होता है, सूर्योदय जो होता है, उसको अर्ध चढ़ाएंगे आज। आज मैं फिर से आरंदी घाट पर आया हूँ पुणे में।
तो आपको मैं दिखाता हूँ आरंडी घाट का कितना यहाँ पे कितना खुशनुमा माहौल बना हुआ है। रात को जब अंधेरे में जो दिए जलाते हैं हम सूप के ऊपर, देखिए हर किनारे उस साइड और इस साइड दोनों साइड कितना खूबसूरत दिखता है, कितना मतलब मनोरम दिखता है। आप यहाँ पे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे छठ में हम हमेशा इंजॉय करते हैं। छठ का एक दूसरा पहलू भी है कि कामकाज के कारण जो लोग यहाँ से बिहार और यूपी से जो लोग बाहर बसे हुए हैं, जैसे मैं भी बिहार से हूँ बट मैं पुणे में बसा हुआ हूँ, तो लोग छठ के मौके पे अपने घर जाते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, प्लेन में बहुत भीड़ होती है, प्लेन में तो कई भीड़ होगी बट टिकट प्राइस बहुत बढ़ जाता है काइंड ऑफ। सो सब लोग अपने घर को जाते हैं बेसिकली, और एक जॉइंट फैमिली में मतलब कैसा होता है कि सारे सब लोग जो फैले हुए हैं यहाँ वहाँ पूरे वर्ल्ड में इधर उधर, वो सब एक जगह पे जमा होते हैं और खुशनुमा माहौल बनता है। सब मिलते जुलते हैं एक दूसरे से छठ के बहाने। तो छठ बहुत ही महापर्व है दोस्तों। तो आपको मैं दिखाता हूँ आरंडी घाट का दृश्य, आगे बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, कल शाम को डूबते सूरज की तरफ जो व्रत किए हुए थे, जो पूजा कर रहे थे उनका उस फेस फेस करके खड़े थे। आज दोस्तों इधर सामने से सूर्य सूर्योदय होने वाला है, तो उगते सूरज की आज पूजा करने वाले हैं। उगते सूरज को अर्ध चढ़ाएंगे आज, तो सारे व्रती उस तरफ फेस करके ध्यान मग्न है पानी के अंदर। देखिए कितना मस्त माहौल है दोस्तों, कितना खुशनुमा भक्तिमय माहौल बना हुआ है। देखिए दोस्तों अभी अर्थ का टाइम हो चला है, सूर्योदय का टाइम हो चला है। जितने भी व्रत करने वाले लोग हैं, जो भी व्रती हैं, जा सकते हैं, ये लोग अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं, ध्यान मग्न है पानी के नदी। अभी मैं आरंडी से लाइव हूँ, तो अभी उगते सूर्य को अर्ध चढ़ाएंगे और इसके साथ ही छठ का महापर्व जो है सम्पन्न होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।
देखिए दोस्तों, ये अभी सूप पे अर्ध जो दूध चढ़ा रहे हैं उसको बोलते हैं अर्ध चढ़ाना। उसको उगते सूरज को हम छठी मैया को अर्ध चढ़ा रहे हैं। देखिए आप, दोस्तों ये उगते सूर्य के अर्ध के साथ ही छठ का महापर्व संपन्न होता है आज। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। और हर साल की तरह अगले साल भी हम फिर आएंगे आलंदी चौक पे, आपको दिखाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपने प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।